रही है और अभी तक उसकी असलियत सामने नहीं आई। तैमूर को तो चाहिए कि फलक को छोड़कर किंजा से ही शादी कर ले। जैसे वो आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे उसकी बात मान लेता है, मगर अब जब फलक दोबारा उम्मीद से है तो किंजा का एक और झूठ सामने आ जाएगा। जो उसने बोला था कि फलक कभी माँ नहीं बनेगी, कोई इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। मगर एक दिन तो किंजा की हकीकत सबके सामने आएगी, तब किंजा के हाथ ना बच्चे रहेंगे, ना ही उसका शोहर और ना ही दौलत। किंजा को तैमूर को तो अपने कब्जे में करना है, मगर उसे अपने शोहर की परवाह नहीं जो अब उसके हाथ से निकल चुका है। बीवी के लिए शोहर और बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर किंजा जैसे झूठी औरत ने उनकी भी झूठी कसम खा ली। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है कि उसका और उसके बच्चों का क्या इंजाम होने वाला है। अब किंजा सोनिया के आने के बाद खाली हाथ रह जाएगी। तैमूर का इतवार तो पहले ही खो चुकी है। अब सोनिया के घर आने के बाद सुहेल भी सोनिया का साथ देगा जबकि किंजा का साथ नहीं देगा। उस घर में कोई भी किंजा की बात नहीं सुनी जाएगी। तब किंजा को समझ आएगी कि दूसरों से इज्जत जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती। कौन कौन चाहता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मजीद ड्रामाज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा।